कर्क राशि के मार्च 2023 के राशिफल को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इस राशिफल के अंदर हम बात करने वाले हैं कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह माह, साथ के साथ धन संबंधी बातों को लेकर, पारिवारिक स्थिति, उनके मान, पद, प्रतिष्ठा, कॉम्पिटिशन्स, बिजनेस, जॉब, नवम भाव यानी भाग्य भाव, लाभ और व्यय को लेकर। यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं और कौन से भाव एक्टिवेट हो रहे हैं जिनके कारण उनको फल मिलने वाला है। आइए शुरुआत करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक जीवन राशिफल की एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और देखते रहें डेली पंचांग, डेली राशिफल, मंथली राशिफल, ईयरली राशिफल। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं धन भाव की। धन भाव के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव। सूर्य की बात करें अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। धन भाव के स्वामी का अष्टम में गोचर आपकी राशि से शुभ माना नहीं जाता। वैसे भी सूर्य का अष्टम में गोचर शुभ फलदायी नहीं माना गया है। सूर्यदेव मध्य माह में अपना राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि से लेकर मीन राशि में प्रस्थान करेंगे। नवम भाव में सूर्य कुछ हद तक शुभ फल प्रदान करते हैं। अगर हम सूर्य की बात करें तो कहीं ना कहीं सूर्य का जो गोचर है वो चंद्र लग्न से यानी चंद्र राशि से यानी आपकी कर्क राशि से तीसरे भाव, छठे भाव, दसवें भाव और एकादश भाव में शुभ माना गया है। हालांकि यहाँ पर सूर्यदेव जब अष्टम और नवम में होंगे तो अष्टम के अंदर अपनी शत्रु राशि शनि की राशि में रहेंगे, नवम में अपने मित्र राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि में रहने वाले हैं। कर्क राशि वालों के लिए सूर्यदेव शुभ फलदायी है, धन के स्वामी है। तो धन को लेकर अगर मैं बात करूं ओवरऑल जो है नॉर्मल जो है मिश्रित फलदायी यह माह रहने वाला है। बात करते हैं आपके करियर को लेकर, जॉब को लेकर। दशम भाव राहु की स्थिति बनी हुई है, राहु शुभ फलदायी रहते हैं। अगर वो दशम भाव और एकादश भाव से गोचर करें, राहु का दशम भाव में गोचर साथ के साथ दशम भाव के स्वामी की बात करेंगे क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उनकी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। मंगल बनते हैं, एकादश भाव में लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। माह का मध्य करियर के लिहाज से शुभ है। मंगल का गोचर भी यहाँ पर अगर मैं बात करूं यहाँ पर लाभ भाव से लेकर जो है और द्वादश भाव के अंदर गोचर करेगा। मंगल का द्वादश भाव में गोचर यानी दशमेश की द्वादश भाव में स्थिति जो है आपको शुभ फलदायी उतनी नहीं कही गई क्योंकि यहाँ पर मंगल देव की राशि के अंदर राहु बैठे हुए हैं तो अचानक परिवर्तन के संकेत भी मध्य माह के बाद में आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। बात करते हैं यहाँ पर मंगल की स्थिति को लेकर क्योंकि यहाँ मंगल पंचम भाव के स्वामी भी हैं तो दशमेश होकर मंगल आपको यह फल देने वाले हैं और पंचमेश की बात करें तो पंचम एक भाव के स्वामी का लाभ भाव में पद प्रतिष्ठा भी बढ़ने वाली है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर अगर जॉब के परिवर्तन को लेकर अगर चांसेस हैं तो यहाँ पर मंगल आपको जो है शुभ फलदायी अवश्य रहने वाले हैं कि मान, पद, प्रतिष्ठा इस मंगल के गोचर के फलस्वरूप आपको माह के शुरुआत में ही अच्छी फलदायी रहने वाली है। बात करते हैं यहाँ पर नवम भाव की यानी आपके भाग्य भाव के स्वामी की। तो नवम के स्वामी बनते हैं यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति। गुरु की बात करें अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, बहुत शुभ फलदायी है। लाभ भाव के स्वामी की भी हम बात करेंगे क्योंकि लाभ भाव के स्वामी भी नवम भाव से गोचर कर रहे हैं, गुरु के साथ में गोचर कर रहे हैं। यानी शुक्र गुरु नवम भाव में अपनी स्व राशि के गुरु और उच्च राशि के शुक्र का नवम भाव में भाग्य का सपोर्ट दिखाता है, पिता का सपोर्ट दिखाता है, अपने से बड़ों का सपोर्ट दिखाता है, परिवारजनों का भी यहाँ पर सपोर्ट दिखाता है क्योंकि शुक्र जो है आपके चतुर्थ भाव के स्वामी है यानी पारिवारिक स्थिति के भी स्वामी है, परिवार के भी स्वामी है। तो शुक्र की उच्च की राशि में स्थिति आपके लिए शुभ फलदायी है। यहाँ पर दशमे अगर हम बात करूं यहाँ पर लाभ भाव के स्वामी की यानी शुक्र की तो यहाँ पर नवम भाव से निकलकर इसी माह के अंदर दशम भाव के अंदर भी गोचर करेंगे। एकादशेश का दशम भाव में राशि जो है गोचर का गोचर आपके लिए लाभ की स्थिति आपके करियर को लेकर आएगा। यानी कर्क राशि वालों के लिए दशम यानी कार्य क्षेत्र जॉब जो है वो अच्छा रहने वाला है इस पूरे माह के अंदर। बात करते हैं हम यहाँ पर आपके छठे भाव यानी कॉम्पिटिशन्स को लेकर। तो अगर छठे भाव की बात करें देवगुरु बृहस्पति हैं, अपने से चतुर्थ में गोचर कर रहे हैं यानी सुख भाव में यानी सिक्स हाउस संबंधी शुभ फल प्राप्त होने के संकेत भी यहाँ पर आपको देवगुरु बृहस्पति का गोचर जो है वो आपको दे रहा है। बात करते हैं शनि की, सप्तम भाव के स्वामी है, अष्टम के स्वामी है, सप्तम के स्वामी होकर अष्टम में गोचर कर रहे हैं। बिजनेस में से जो भी जातक जुड़े हुए हैं बहुत बड़ा निवेश ना करें क्योंकि यहाँ पर सप्तम के स्वामी होकर अष्टम में गोचर करना पारिवारिक स्थिति के लिए भी, वैवाहिक जीवन के लिए भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशानी पूर्वक समय को दिखाता है। बात करते हैं यहाँ पर तीसरे भाव के स्वामी की, तो तीसरे भाव द्वादश भाव के स्वामी यहाँ पर बुद्धदेव बनते हैं कि अष्टम में गोचर कर रहे हैं। यात्राएं हो सकती हैं क्योंकि द्वादशेश
तृतीयेश और अष्टमेश का संबंध भी यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर बुद्ध का अष्टम भाव के स्वामी के साथ में गोचर दूर यात्राओं को भी जो है प्रदर्शित करता है। पारिवारिक स्थिति की बात करें, शुक्र चतुर्थ भाव के स्वामी होकर, पारिवारिक स्थिति के स्वामी होकर नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, परिवार सपोर्ट करने वाला है। धन की स्थिति की बात करें, मिश्रित फलदायी रहने वाली है, कार्य क्षेत्र अच्छा रहने वाला है। लाभ भाव के स्वामी की बात करें तो लाभ नवम और दशम में इस माह में गोचर कर रहे हैं लाभ भाव के स्वामी यानी शुक्रदेव। तो यहाँ पर भाग्य और आपके कार्य क्षेत्र, आपके दशम भाव, आपकी जॉब से रिलेटेड जो है वहां आपको लाभ के संकेत अवश्य दिखाई दे रहे हैं। शनि की तीसरी दृष्टि जो है आपके दशम भाव पर, आपके कार्य क्षेत्र पर बनी हुई है। तो आपके कार्य क्षेत्र में जो उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे वो बहुत धीरे धीरे होने वाले हैं। हेल्थ की अगर हम बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए यहाँ पर कोई भी किसी भी बड़े ग्रह की, या मैं कहूँ किसी भी राहु से रिलेटेड या शनि से रिलेटेड जो है डायरेक्ट दृष्टि आपके जो है आपकी राशि के ऊपर नहीं पड़ रही है। तो हेल्थ को लेकर ऐसी कोई समस्या यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। धन्यवाद।